नमस्कार दोस्तों, मैजिक किचन मसाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ पेड़े। 1 किलो दूध में 1 किलो पेड़े। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं पेड़े। देखिए कितना बढ़िया पेड़े। कान्हा जी का भोग के लिए प्रसाद देख सकते हैं आप। पेड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए देखिए। 1 किलो दूध है, अब इन्हें कट कर लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिए। इसी तरीके से दूसरा भी डाल देंगे। गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और इस तरीके से चलाते हुए रहेंगे। देख सकते हैं आप, खोल आ चुकी है हमारी। इसी तरीके से खोलाते रहेंगे। देखिए कितना कम हो चुका है अब। इसी तरीके से चलाते हुए भूंज लेंगे हम खोए को। देखिए इस तरीके से अच्छे से चलाते हुए रहेंगे। चिपक जाएंगे नहीं तो। अच्छे से चलाते हुए रहें। ये इधर मैं एक बड़ा नारियल ले ले रही हूँ, सूखा गोला। उसे कस के, कद्दूकस करके इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए मैं मिक्सी के जार में डाल के इसे इस तरीके से पाउडर बना लूँगी। इस तरीके से देख सकते हैं आप। इधर देखिए मेरा खोया तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया खोया तैयार हुआ। 1 पाव खोया है, हो गया है हमारा। इधर देखिए 2 कटोरी चीनी लिए हैं, करीब 150 ग्राम चीनी है हमारी। इनको चीनी को मिलाते हुए, ये चीनी अभी पानी छोड़ेगा, इसे से और थोड़ा भूंजेंगे। आधी छोटी चम्मच इलायची कुटी हुई डाल देंगे इसी में और अभी इस तरीके से चलाते रहेंगे। क्योंकि चीनी पानी छोड़ता है तो इसे चलाएंगे। इस तरीके से चलाते हुए देख सकते हैं आप। देखिए अभी तरी थोड़ा थोड़ा करके गोला डालेंगे, कसा हुआ और पीसा हुआ। तो इसे भी थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे, फिर डालेंगे इसे बाकी बचा हुआ। ऐसे चला देंगे। देखिए कितना बढ़िया, थोड़ा और भूंज लेंगे। सारा डाल देंगे अब हम जो भी बचा है। इस तरीके से अच्छे से चला लेंगे।
चीनी की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा जैसा आप मीठा खाते हो कर सकते हैं। पर गोला मैंने एक लिया है, उसे कद्दूकस करके हल्का सा भूंज के और फिर मिक्सी में पीस के अच्छे से पाउडर बना के तब मैंने इसमें डाला था। अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसे गैस से उतार लेंगे, इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया, इसे ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये पेड़े टूटेंगे नहीं, इसलिए इसी तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ लें। देखिए छोटे छोटे पेड़े बनाएं इस तरीके से और नारियल के सूखे नारियल के ऊपर चिपका दें इस तरीके से, इस तरीके से पेड़े के शेप दे दें। ये देखिए इस तरीके से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए इसी तरीके से सारे बना लूँगी मैं। और इसी तरीके से नारियल का वो लगा दूँगी मैं, कद्दूकस किया हुआ नारियल। इसी तरीके से चला लेंगे और बना लेंगे सारे। ठीक है, कान्हा जी को भोग लगाएं, बहुत खुश हो जाएंगे कान्हा जी। थोड़ी सी चीज़ों में आप बहुत सारा बना सकते हैं इसी तरीके से। देखिए 1 किलो पेड़े तैयार हैं और इस तरीके से सजा के ऊपर से काजू बादाम लगा के इस तरीके से सर्व करें। कान्हा जी का भोग तैयार है। तो आप कब बना रहे हैं दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और तुलसी जी लगा के इस तरीके से कान्हा जी का भोग तैयार हो गया। लीजिए आपके लिए। तो आप कब बना रहे हैं दोस्तों, हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए कितना बढ़िया टूटा है, एकदम ना टाइट है और खाने में भी बहुत ही स्वाद है। लीजिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।